कानपुर में पुलिस ने संवेदनहीनता ने सारी हदें पार कर दी है। पुलिस वालों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें आपको बताया चले कि हर्जना एक गरीब परिवार भुगत रहा है। नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ही 10 दिनों के परिजनों पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दरोगा बेटी को बर्बाद करने के साथ ही 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। आपको बताते चले ये पूरा मामला नोबस थाना क्षेत्र के दलहानपुर का है, जहां पर रहने वाले लोडर ड्राइवर की नाबालिग बेटी को पता के अनुसार आपको बताया चले कि नाबालिग बेटी को पिता के दोस्त बहला फुसला कर ले गए। उसके बाद लड़की के पिता ने फोन पर बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया है। उसके बाद शिकायत के नोबस्ता थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया गया, तो फिर भी पुलिस की तसली सुलझ गई हुई है। आपको पता चले पीड़ित ने अवेशना कर दी। दरोगा सत्येंद्र चंद यादव को संपर्क किया गया है। दरोगा ने खर्च कर 20,000 रुपये की मांग की है। लड़की के पिता गरीब हालात में देखते हुए आपको बताया चलिए पैसे देने में असमर्थ हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पीड़ितों का बयान। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चलने के लिए खास रिपोर्ट। आरती जी, कब से आपकी बेटी लापता है और कितने दिनों में अभी तक वापस ली है? 17 तारीख से लापता है लड़की। कितने दिन हो गए आज? आज 9 दिन हो गया सर। अभी तक आपकी बेटी वापस आई नहीं सर। कौन लोग हैं जो उनको अगवा कर ले रहे हैं? अन्नू ठाकुर, कल्लू ठाकुर, अमित सिंह, अशोक प्रसाद जाटव। किस इरादे से ये लोग जो है आपकी बेटी को ले गए? अब सर कोई गंदे इरादे से ले गए होंगे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे वो लोग। पुलिस की शिकायत करी थी? पुलिस जी, पुलिस की शिकायत की थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी थी? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कौन है जो लोग पैसे से भी मांग रहे थे आपसे? प्रशासन के दरोगा जी थे, सतीश चंद्र बोल रहे थे कि मतलब जो है 15-20,000 रुपए का खर्चा आएगा, होटल में भी रुकना पड़ेगा, ढूंढने में भी लगेगा पैसा। तो हमने कहा सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। तो बोले तो फिर आपने क्यों ये सब किया है? आपने इसकी शिकायत कहाँ पर करी है? अरे ऊपर अधिकारी से शिकायत करी थी सर? जी सर, ये हमारे ये गए थे कप्तान। उस दिन से घूम ही रहे हैं सर, चक्कर काट रहे हैं बराबर पुलिस की, कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं रही। अच्छा, कितने दिन आप पहले थाने गए थे, इसके बाद आपकी बराबर डेली थाने जा रहा हूँ। अच्छा, कब आपका मुकदमा जो है? 17 तारीख को मुकदमा हुआ था, उसके दो दिन बाद से हम जाने लगे, बराबर जा रहे हैं पूछने। क्या आश्वासन क्या मिलता आपको? आश्वासन यही मिलता है, देख रहे हैं बस कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था? फिर क्या पुलिस क्या कह रही थी आपसे? यही कह रहे थे मतलब वहाँ जाने आने में खर्चा लगेगा, वहाँ खर्चा होगा, बोले 15-20,000 रुपये। तो हमने कहा हमारे पास इतना है नहीं देने के लिए। कौन मांग रहा था खर्चा? दरोगा जी। कितने रुपये मांग रहे थे? कह रहे थे वहाँ तक जाने आने में गाड़ी करनी पड़ेगी, वो जो है ना जाना पड़ेगा, वहाँ होटल में रुकना पड़ेगा, एक दो दिन बर्बाद जाएगा। तो बोले 15-20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा ऐसे। तो हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, 1,000-2,000 कोई बात पड़ेगी तो हम कर सकते हैं कहीं से, मान लो गरीब आदमी हम लोग, हम साबित कर ही नहीं पाएंगे कहीं से। अरे जो आपकी बेटी को जो लोग अगवा कर ले गए हैं, उठा ले गए हैं, किस टाइप के लोग हैं वो? सर हमें तो लगता है सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस हिसाब से तो हमें तो लगता है दबंग लोग हैं सर। अच्छा, 10 दिन होने जा रहे हैं, वही तो 10 दिन होगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें तो लगता है सर दबंग ही लोग हैं और क्या। आपकी बेटी क्या लगता है 10 दिन हो गए अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आपको किस तरीके का आपको डर है कि दबंग टाइप के लोग हैं, कोई अनहोनी ना घटित हो? अब अनहोनी तो कहा, अनहोनी की तो डर है ही, मान लो अनहोनी हो जाएगी तो क्या हो ही जाएगी, अनहोनी तो होनी है निश्चित है, मतलब ले गए तो कोई अच्छे के लिए तो ले नहीं गए। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी तरीके की कोई घटना घटित होती तो? हम तो चक्कर काट रहे साहब इनके, इन्हीं लोगों के सहारे से। अप्रता के फादर से कुछ पैसे मांगने की डिमांड की गई है, इस संबंध में जांच की जा रही है, जांच में जैसे तथ्य सामने आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।